कोई स्कोर है इससे अच्छा तो मेरे साइड का छोटका छोटका बचवा खेल लेता जो 6 ओवर का मैच ही रहता और उसमें भी 100 रन बना देता। टाटा आईपीएल 2024 का मैच नंबर 52 जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया। आरसीबी ने टॉस जीतकर गुजरात को बैटिंग करने का न्योता दिया और जब गुजरात बैटिंग करने आई तो शुरू होते ही खत्म हो गई। वे अपने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिया और रन भी मात्र 23 ही बनाया था जो इस सीजन का सबसे लो स्कोर भी है पावर प्ले में। कोई स्कोर है इससे अच्छा तो मेरे साइड का छोटका छोटका बचवा खेल लेता जो 6 ओवर का मैच रहता और उसमें भी 100 रन बना देता है। लेकिन ये सबको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन पावर प्ले के बाद सस्ते नशे वाला शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो गई जिसकी वजह से गुजरात 147 रन बना दिया जिसमें से जीटी की ओर से टॉप स्कोरर यही सस्ते नशे वाला शाहरुख खान रहा जो अपने 24 बॉलों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा राहुल तेवतिया भी 21 बॉलों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन जोड़ा। और वहीं दूसरे साइड की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज, यश दयाल और विजय कुमार बेसर को 2-2 विकेट मिला है। और वहीं जब आरसीबी 148 रनों का पीछा करने उतरी तो पावर प्ले में ही मैच को रफा दफा कर दिया। ये अपने 6 ओवरों में टोटल 92 रन बना दिया था लेकिन इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। मात्र 25 रन के अंदर आरसीबी अपने 6 विकेट गवा देती है लेकिन इसके बावजूद भी आरसीबी मात्र 14वें ओवर में ही उस रन चेस को हासिल कर लेती है जिसमें से आरसीबी की ओर से टॉप स्कोरर खुद कप्तान फाफ डु प्लेसिस रहा जो अपने मात्र 23 बॉलों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 64 रन ठोका। इसके बाद विराट कोहली भी अपने 27 बॉलों में 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 42 रनों का योगदान दिया। और वहीं दूसरे साइड की बॉलिंग की बात करें तो जोशुआ लिटिल जो अपने 4 ओवरों में 45 रन देकर 4 बड़े विकेट झटका। इसके बाद नूर अहमद भी अपने 4 ओवरों में मात्र 23 रन देकर 2 विकेट भी झटका है। तो दोस्तों विराट कोहली की फॉर्म को देखते हुए आप सब में से कौन कौन चाहते हैं विराट रोहित के साथ ओपनिंग करें जो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस बना दें। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।